Hello guys, welcome to Jammu Engineering Institute. Today we are having first session of Topper's Talk with SSC JEE All India Rank 1 of 2023, Ashish Sharma. Good afternoon, Ashish. Good afternoon. First of all, Jammu Engineering Institute would like to congratulate for your extraordinary results in SSC JEE 2023. Along with your family and friends, you have made whole J&K proud. Thank you, sir. Thank you so much. So let me just tell the audience about some of your achievements, Ashish. Along with the SSC JEE rank, Ashish have also qualified JKSSB JEE PWD with rank 3. He have also qualified the written part of JKPSC AE exam thrice. I think it's a really huge achievement, Ashish. Yeah, thank you. Also, Ashish, you have qualified ESC pre 2 times, Haryana, SDO pre and mains, and many more examinations. This is a huge list, I think. Yeah, definitely it's a huge list, but there have been 5 years of consistent hard work for this. Yes, yes, we will definitely come to this part. हम आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह जानेंगे, आपका क्या इस 5 years में आपने क्या किस तरह से प्रिपेयर किया सब जानेंगे. तो इसीलिए फिर मतलब हम शुरू करते हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं आशीष, कि जैसे आपने अपनी कॉलेज कहाँ से किया और कब ईयर के पास आउट है आप? मैं 2018 का पास आउट हूँ. मैंने थापर यूनिवर्सिटी से ही अपनी बीटेक की थी, 4 years सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दैट कॉलेज. ओके ओके, थापर, ठीक है. तो ये प्रिपेयरिंग आपने एग्जामिनेशंस के लिए कब स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन वगैरह? प्रिपरेशन आई थिंक मैंने फोर्थ ईयर एंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दी थी प्रिपेयर करना फॉर गेट. तो फर्स्ट टाइम मैंने गेट दिया था, तो आई क्लियर दैट एग्जाम और उसके बाद मेरे को लगा कि चलो आगे मतलब कंटिन्यू करना चाहिए प्रिपरेशन को भी. तो उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए फर्स्ट टाइम दिया था एंड फिर से गेट क्लियर किया था, एंड वहीं से जर्नी मतलब इसी के साथ जुड़ती गई और आगे मैं इसी को कंटिन्यू करता रहा आगे भी. ओके ओके, तो ये आपका मतलब जैसे आपने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो टारगेट क्या रखा था, मतलब कि क्या अचीव करना चाहते थे आप, इसी स्टेज पे पहुंचना चाहते थे, आप सेटिस्फाइड हैं जहां पर आज हैं? मतलब जर्नी काफी बड़ी रही है, मतलब ऑल्सो जब शुरू किया था तो सोचा था कि ESC वगैरह और गेट की तरफ काफी फोकस था और बाहर जाने का भी प्लान था मेरा कि फॉरेन जाके मास्टर्स करूं, बट देन कोविड आ गया और मैं फिर घर में ही रहा, तो यही सोचा कि चलो यहीं पे रहते हैं और यहीं पे प्रिपेयर करते हैं. तो AE और JEE के भी एग्जाम्स दिए, फिर तो चलता रहा. ओके 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 ओके, तो ये आपने जैसे सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि रेफरेंसेस क्या लिए, बुक्स क्या ली, कोचिंग्स वगैरह कहाँ से, तो कहाँ से आपने शुरू कैसे किया अपनी ये तैयारी? बुक्स वगैरह अगर मैं बोलूँ तो रेफरेंस बुक्स इतनी फॉलो नहीं की है मैंने. मान लो अगर कोई डाउट आता था तो हाँ मैं देख लेता था बुक में से, बट नोट्स जो रहते थे जो मैंने बना रखे थे उन्हीं पे मेन फोकस था. ओके ओके ओके, तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम जब, तो ये एग्जाम्स या फिर जो इन एग्जाम्स के लिए मतलब स्पेशली जो हमारे स्टेट के एग्जाम्स हैं, SSC वाले एग्जाम्स हैं, इनके लिए आप कौन सी बुक्स वगैरह रेफर करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? मेरे ख्याल से गुप्ता काफ़ी बेटर बुक रही है, उस हिसाब से गुप्ता बुक आती है और इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQs काफ़ी हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में. पहले जूनियर इंजीनियर का देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट रहता था, बट अब तो सेम ही पैटर्न है. जैसे हमने ये भी एग्जाम देखा जो 855 पोस्ट का हुआ है. जी तो जी जी, AE और JEE मतलब लगभग सेम हो चुका है अब तो पैटर्न. और मैं ऐसा ज्यूम करके ही चल रहा हूँ क्योंकि आपने इतने एग्जामिनेशन निकाले, तो आपने ऑलमोस्ट सारी बुक्स सॉल्व करके रखी होंगी, ये जैसे गुप्ता हो गई, SSC हो गई, देन हमारी ESC गेट, क्या आपने लगा रखी होंगी? हाँ मैंने लगा रखी है वैसे, बट मोस्टली शायद एक और भी बुक आती है यूथ, वो मैंने कभी इतना फोकस करके सॉल्व की नहीं है. काफी लोग फॉलो करते हैं तो मैंने अपने एंड से मतलब अगर मैं बोलूं तो मैंने अवॉइड किया वो बुक जितनी मैं कर सकता था. ठीक 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 ठीक, नाइस. तो अच्छा, टेस्ट सीरीज जो है, एक तो पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज जो है कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने में? एग्जामिनेशन को क्लियर करने में तो मतलब टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल है, मतलब आपको टेस्ट सीरीज तो देनी चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मतलब इट्स योर फॉल्ट. ओके, आप एंड में वो गलतियां करोगे जो मतलब पेपर में जाके वो गलतियां होंगी आपसे जो आप टेस्ट सीरीज में कर सकते थे, फिर अवॉइड कर सकते थे उन्हें एग्जाम में. ओके, तो टेस्ट सीरीज आपने कहाँ की प्रेफर की थी? जम्मू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट
की टेस्ट सीरीज थी, बाकी यही था मतलब मेन एंडिंग मोमेंट्स पे मैंने यही किया था क्योंकि मतलब ऑफलाइन रहती तो ज्यादा बेटर रहता था। जम्मू के जो एग्जाम थे जैसे जेके एसएसबी वाला, जेके पीएससी वाला, इनके लिए आपने ये फॉलो किया था, बाकी एसएससी वगैरह के लिए तो चलो और भी थे। हाँ, एसएससी वगैरह के लिए और रहते थे, उसके लिए टेक्स्ट बुक वगैरह चल जाता था, बट मेन जम्मू के लिए तो काम नहीं आता। ओके ओके ओके। तो भाई ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मतलब सिलेबस क्योंकि वास्ट है सिविल का, तो जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। एक जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो मंथ बाद उस सब्जेक्ट का रिलेटेड याद नहीं रहता, तो इसके लिए आप मतलब क्या टिप्स देते हैं? और शॉर्ट नोट्स क्या आपका शॉर्ट नोट्स पे क्या व्यू, आपने पर्सनली बनाए थे या नहीं बनाए थे शॉर्ट नोट्स? मेरी जैसे मतलब 5 ईयर्स का मेरा जर्नी रहा है, तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, जैसे नोट्स ना बनाना, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, और मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रोल है इनका, क्योंकि रिसेंटली 2-2.5 साल में मैंने इन पे फोकस किया, वर्क किया कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं, जो रिवीजन है वो टाइमली की जाए, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट किया और उसको आप 1.5 महीने बाद फिर से देख रहे हो। तो मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर आप चल रहे हो ना, तो जैसे मतलब मान लो एक सब्जेक्ट आपने किया आरसीसी, तो उस सब्जेक्ट को आप ट्राई करो कि फिर से पढ़ लो 7 या 10 दिन के अंदर, फिर से कुछ इस तरह का मतलब एक पैटर्न बनाओ, आप फॉलो करो उसे। ओके ओके। तो ये शॉर्ट नोट्स का आप क्या वैसे सजेस्ट करते हैं कि ये मतलब जैसे सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ साथ ही बनाने चाहिए, या एक दो बार उसको पहले रिवाइज करके बुक सॉल्व कर लो आप सारी अपनी, देन उसके बाद टेस्ट सीरीज के साथ बनाने चाहिए कि क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग? नहीं, मुझे लगता है कि नोट्स के जो शॉर्ट रहते हैं ना, वो अलग से होने चाहिए, जो आपने एमसीक्यूज रखे रखे हुए हैं, ठीक है, आप उनकी एक अलग से कॉपी बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई भूल रहा हूँ मैं ये एमसीक्यू, या कुछ ऐसी वैल्यू है जो एमसीक्यूज में ज़्यादा आ रही है, जो टेस्ट में ज़्यादा आ रही है, तो वो एक अलग से कॉपी सेपरेट बना सकते हो। नोट्स तो सेपरेट होने चाहिए शॉर्ट नोट्स के। नहीं, जैसे अगर किसी के पास नोट्स हैं ऑलरेडी, अब नोट्स को जो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है, आपके हिसाब से उसका सही टाइम क्या है? जब साथ में पढ़ रहे हो तभी, बाद में नहीं, ठीक उसी है। टाइम। तो अच्छी चीज़, अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि आई थिंक ये 5 ईयर्स लॉन्ग जर्नी है आपकी। हाँ, हाँ, तो इस 5 ईयर लॉन्ग जर्नी में अपने आप को हर रोज मोटिवेट करना कैसे करते थे आप अपने आप को? मतलब मैं सच बोलूँ तो मोटिवेशन पे इतना फोकस नहीं रखना चाहिए लोगों को, लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एक दिन मोटिवेट रहोगे, 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, कितना पढ़ लोगे आप, 10 घंटे, 15 घंटे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, 1 महीना आप नहीं पढ़ोगे, तो वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब आप सुबह उठो, मतलब पढ़ो, आप रोज का 5-6 घंटा भी पढ़ रहे हो तो मेरे को लगता है ठीक है, बट एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपको सेपरेट में, अच्छा डिसिप्लिन के साथ उठो पढ़ो और चल जाएगा काम, ना ठीक कुछ है। दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे मतलब इतने इयर्स में आपने और भी पेपर्स वगैरह दिए होंगे, शायद कभी कोई पेपर में फेलियर आया होगा, कोई पेपर होगा जो नहीं क्वालिफाई होगा, जिसका आपको होप थी या आप चाहते थे वो क्वालिफाई हो बट नहीं हुआ होगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे पेपर्स रहे हैं, अब मतलब इतने टाइम से एग्जाम दे रहा हूँ, तो इनफैक्ट जो मैंने पहला एग्जाम क्लियर किया भी, उसमें भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था। 2023 में ही एग्जाम क्लियर किया था पहला, जो SSC 22 का एग्जाम था, वो BRO मिला था मुझे, तो ओके ओके उसमें ओके। भी मैं CPWD सोच रहा था, पर मिला BRO था, और वो मतलब मेरी लाइफ का मतलब पहला ही एग्जाम था जो मतलब मैंने क्लियर किया था। तो वही बात है, आप रहना पड़ता है, एफर्ट तब भी डालते रहने पड़ते हैं, हो सकता है मिस्टेक रहता उससे तो मैं आगे इम्प्रूव नहीं कर पाता अपने पे। तो जैसे इतने सारे एग्जाम्स दिए, क्लियर किए, तो कुछ माइंडसेट होता होगा जब आप पेपर में जाते होगे, कुछ पहले से प्रिपेयर भी होके जाते होगे कि हाँ ये फोकस रखना है और प्रेशर नहीं लेना है, तो वो उस प्रेशर को, क्योंकि आपको ज्यादा मतलब हर बच्चा प्रेशर फील करता है उस सिचुएशन में, तो उसको बिल्कुल, कैसे हैंडल करते थे आप? प्रेशर प्रेशर तो आएगा, मतलब अगर आपने मेहनत कर रखी है तो ऑब्वियसली एक रहता है कि इम्प्रूव, मतलब हमारे मार्क्स ज़्यादा आए, जब हमारा एग्जाम क्लियर हो, तो वो आप दिमाग में रखोगे तो प्रेशर तो आ जाएगा, बट मैं कहता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए उस चीज़ को, कि आप जितना दूर रहो उस चीज़ से कि क्या होगा, क्या आएगा रिजल्ट वगैरह, आपने मेहनत कर रखी, आप अपना बेस्ट दो, बाकी क्या फर्क पड़ता है। ओके ओके ओके। तो डेली शेड्यूल वगैरह आपका कैसा रहता था, मतलब कि ऐसा था कि दिन में मतलब बड़ा ही पढ़ना है, या अपने साथ साथ पढ़ाई के साथ नहीं, साथ क्या टाइम कैसे निकालते थे अपनी मतलब इंजॉयमेंट के लिए, तो क्या रहता था मतलब? एंजॉयमेंट तो चलता रहता था, वीकेंड्स पे भी चले जाते थे दोस्तों से मिलने वगैरह, बट पढ़ाई का अगर रहे तो जैसे मतलब मैं रखता था 6 डेज तो ऐसे मतलब पढ़ना ही है वीक में, और ऐसा रहेगा जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं उठाऊं सुबह,
मैं ट्राई करता था 3 से 3.5 घंटे मैं पहले ही कर लूं खत्म हफ्ते, जितना एफर्ट इफेक्टिव, मतलब आप बैठे हो 4 घंटे तो बिल्कुल 3 घंटे ही बिल्कुल, निकल, तो 3 2 फिर 1 1 लास्ट का जो रहते थे उसमें मैं 1 1 घंटा कुछ भी ऐसे पढ़ लेता था जिसमें इतना एफर्ट ना लगे। स्टार्टिंग का जो डे जब शुरू करता था तो 3 आवर्स रहता था, फिर खाना खा लिया तो 2 घंटे पढ़ लिया, तो उसके बाद 1 घंटा 1 घंटा ऐसे करके मतलब निकल जाता था टाइम। ओके ओके। तो देखो आप भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते होंगे जब आप तैयारी कर रहे थे, जो आपके साथ कर रहे थे तैयारी, बट शायद उनका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया होगा, जो अच्छा पढ़ते थे मेहनत करते थे बट नहीं हो पाया होगा। तो तब बच्चा और तब आप लोग, मतलब हम उस टाइम पे बोलते तो नहीं है किसी को, बट अंदर से एक रियलाइजेशन तो होती है कि हाँ ये बंदा ये चीज़ गलत कर रहा है या इसने ये चीज़ गलत की इसलिए इसका एग्जाम रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने ऐसा एक्स्ट्रा किया जो आप इतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाए हर एक एग्जाम में? प्रैक्टिस मेनली प्रैक्टिस रखी है ज़्यादा, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किए हैं, नोट्स बार बार रिवाइज किए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक होता है जैसे आप कई बार होता है सेम चीज़ पढ़ रहे हो आपको लगता है मुझे आता है तो मैं और क्यों पढ़ूँ अब, मतलब मेरे को लगता है वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आता होता तो ऑब्वियसली मार्क्स में वो दिखता है, फिर हर चीज़ में फुल मार्क्स आने चाहिए अगर सब कुछ आता है जी जी तो जी जी ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे आता है अब मैं और क्यों पढ़ूँ या फिर ये तो चीज़ मुझे आती है तो इसको हटा देता हूँ। हर चीज़ पढ़नी है और एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, ये नहीं कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है मैं ये कर लेता हूँ कल को आ गया, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर जैसे हमारा जेई का एग्जाम था तो 120 का पेपर हुआ है, तो अगर 5 मार्क्स 6 मार्क्स से कुछ एक्स्ट्रा आ भी रहा है आउट ऑफ सिलेबस तो आप छोड़ दो उसको, इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो 114 अच्छा, मार्क्स का रह गया बाकी आप उस पर फोकस रहो रखो, मतलब 90 तो आपका ये सजेशन जरूर रहेगा कि मतलब ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, प्रीवियस ईयर हाँ देख के बिल्कुल चलना चाहिए, नथिंग लाइक कि आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ हर एक टेक्स्ट बुक पढ़ लेनी है। जो भी अगर हम जैसे हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली टफ रहती है थोड़ी नॉर्मल टेस्ट से, तो कभी कभी वो ऐसी चीजें डाल देते हैं जो जनरली नहीं पूछी जाती, तो उन पे ऐसा नहीं है कि उन पे बड़ा फोकस करने की जरूरत है, उनको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है ये चीज थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, एग्जाम ठीक ओरिएंटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि सिविल बहुत ही वास्ट है, मतलब इतना आप कहाँ तक पढ़ोगे कितना पढ़ोगे, वैल्यूज हैं न्यूमेरिकल्स हैं हर चीज है। अब जैसे आपने ये चीज बोल दी है कि सिविल जो है बहुत वास्ट है, तो आपके हिसाब से कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए? यही इसी बात से कि बस प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखें और उस हिसाब से हाँ पढ़ाई प्रीवियस करें। ईयर ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है, उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, ये नहीं कि बस पढ़ना है सिविल है तो हाँ कुछ भी शुरू कर दिया, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस में है तो मैं पढ़ूँ, नहीं है तो नहीं पढ़ना है, अगर नहीं लिखा उन्होंने तो क्या जरूरत है पढ़ने की। ओके ओके। तो आई थिंक फाइनली क्वेश्चंस वगैरह तो सारे आपने बच्चों के जो डाउट्स थे उनका आंसर दे ही दिया होगा। अगर कोई पर्सनल टिप आप देना चाहें बच्चों को अपनी तरफ से? पर्सनल टिप तो एक यही रहेगी कि हाँ मतलब जैसे एग्जाम्स दे रहे होते हैं सब, कई बार होता है फेलियर्स आती है, लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं कि कुछ नहीं बन रहा है तुम्हारा छोड़ दो ये है वो, तो मैं कहता हूँ कि नहीं सुननी चाहिए उनकी बातें, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आपको लगे रहना चाहिए उस चीज के ऊपर। ओके ओके। तो दिस वॉज इट आशीष जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम थैंक दिया। यू। जी थैंक यू जी। हाँ जी भैया।